अंबिकापुर वाराणसी गाड़ी कभी ना रोक। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गाड़ी ऐसे रोडों पे भी जाने वाली है। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग गाइस, और इस ब्लॉग का भी स्वाद आप घर से कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अपन बैक टू बैक हर बार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ ही रहे हैं। और आज का हम लोगों का जो राइड होने वाला है दोस्तों, ये बांगो का होने वाला है, क्योंकि ये हम लोग एक छोटा सा लेने वाले हैं राइड, क्योंकि भाई मानसून आ रखी है आप लोगों को जैसे कि पता है। रास्ते में कभी भी सीन चेंज हो जाता है, वेदर का कुछ पता पता नहीं है। बाकी हम लोग हो चुके हैं प्रॉपर रेडी, ये रही मेरी हेलमेट, ये रही ग्लव्स, ये रहे मम्मी, हम लोग चलते हैं। गाड़ी मैंने बाहर आज पहले से निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि भाई उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इन सबको पहले बाहर निकालना पड़ता है। तो चलते हैं सीधे यार। और आज मैं बहुत लंबे टाइम, मेरा जिम पार्टनर जिसके साथ हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से मोस्टली एक साल से, उसको मैं बोल ही रहा था कि अपन जाएंगे राइड पे, बट देन वो वापस भी एमपी जाने वाला है। तो उससे पहले एक छोटा सा राइड उसके साथ बनता है, क्योंकि उस भाई ने अभी यहाँ तक आने के बाद कहीं पर भी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की नहीं है, तो आज उसको छोटा सा एक्सप्लोर मैं कराता हूँ यार। तो चलते हैं और मिलते हैं दोस्तों, पहले उसको पिकअप करते हैं फिर आगे चलेंगे। और आज बाकी कटघोरा योले रूट होते हुए बांगो जाने वाले हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ, ये ऊपर से देखते रहेगी भाई, जब भी जाऊँगा ना ये घर पे मेरे को ये है जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती। बाकी ये देख रहे हो योले गाड़ी हम लोगों ने निकाल रखा है। और आप लोग का मैं यार बताना भूल गया था कि हम लोग ने योली एग्जॉस्ट लगा रखी है गाड़ी पे। बाकी चलते हैं आज इसकी रिएक्शन चेक करते हैं, मिलते हैं आगे यार। भाई को पहले पिकअप करते हैं फिर वहाँ से आगे चलेंगे। दोस्तों बता दूँ आज का रूट होने वाला है बाकी से कटघोरा, कटघोरा से बांगो, और वहीं से फिर अपन रिटर्न आने वाले हैं। आज मैं अपने फ्रेंड को लेकर जाने वाला हूँ, अपने जिम वाले पार्टनर को। बाकी गाड़ी को पहले 33 डिग्री सेल्सियस, पहले इसको 50 होने देते हैं, फिर चलते हैं भाई को पहले पिकअप करेंगे। भाई भी यहाँ पास में ही रहता है तो मुझे अलग से कहीं जाना पड़ेगा नहीं। और आज का वेदर भी बहुत सही हो रखा है, सुबह तक तो ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, बट शीन अभी वापस से धूप वाली हो रखी है। चलते हैं और दिखाते हैं यार आज का वीडियो। हमारे चौक में सबसे बड़ा टास्क है ये, देख सकते हो रोडें इतनी ख़राब हो रखी हैं, जहाँ से भी आपको जाना हो या जहाँ भी निकलना हो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। गाइस ये चेक करें, भाई पहुंच चुका है रवि भाई के पास। भाई को मैंने ना, हम लोग कम से कम एक साल से प्लान कर ही रहे थे कि हम लोग को ट्रिप पे जाना है, बट एट द एंड अब जाके मेरी ये बाइक आने के बाद अपन जा रहे हैं यार फंस दो बांगो परियोजना। ये रहा भाई, चलते हैं आगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को हो चुका है काफ़ी लेट, मिलते हैं आगे रास्ते पर यार। अपन पहुँच चुके हैं अपने एरिया का गवीर चौक, यहाँ से मैं आपको कॉलोनी वाले रोड पर लेकर जाता हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है। अभी भाई को मैं इसकी थोड़ी सी पावर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ने ना तो हेलमेट रख रहा था ना ही किसी टाइप का जैकेट, तो मैं सोच रहा भाई को पहले दिखा लूँ कि क्या इसमें कितनी पावर है। कि अब तक भाई को मैं इसकी पावर नहीं दिखा रहा था, बट अब जब सडन इसको पावर पता चलेगी। तो गाइस ये अपना यहाँ पे पहला फिलअप होने वाला है, बाकी एक और फिलअप है जो मैं आगे कराऊंगा, यहाँ पे तो नहीं करा रहा है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ की पेट्रोल इतनी खास लगती नहीं है। पहले यहाँ से जाएंगे बाकी में कराएंगे फिलअप 510, फिर वहाँ से एक और फिलअप कराने के बाद फिर सीधे चलेंगे यार ढेलवाड़ी होते हुए कटघोरा। दोस्तों ये ब्लडी मैरी है, ये खून पीती है, अब इसमें कितना भी डालो ये कहाँ जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। तो गाइस फाइनली पहली फिलअप होने के बाद अभी अपन निकल चुके हैं। जिसको आप लोग देख रहे हो इसको मैं रोड का नाम तो नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यहाँ का यही है। मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलूँगा कि गाड़ी इस रोड पे गाड़ी चलाने पर मुझे पूछो मुझे कैसा लगता होगा। बाकी आप लोगों को बता दूँ कुछ दिन बाद अपन भाई के साथ अपन शिफ्ट होने वाले हैं बिलासपुर, जो अपन के लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ से देखना गाड़ी को, थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ भाई को।
भाई बाकी से भी काफ़ी बंदे मुझे आजकल जानने लगे हैं, और भाई इतनी अपन ने बॉन्ड क्रिएट कर रखी है कि लोगों का मुझे कॉल भी आता है कि भाई अपन को भी राइड पर ज्वाइन कराना, या डेफिनेटली जिस भी दिन अगर आप बागी पहुँचते हैं इवन हमको रुकना ज़रूर। तो भाई सबके लिए लव यू यार, क्योंकि देखो आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग से ही अपन आज मेरे पास बेनेली 600 आई है। आप लोग चाहेंगे तो एक दिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोरबा पे H2 की भी राइड कराऊँ। अगर बेनेली पे आज ऑन कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग H2 भी यहाँ पे ऑन करने वाले हैं। हम लोग एंटर कर चुके हैं बाकी, ये बाकी से काफ़ी पहले, शायद इसको कटाइनार बोलते हैं। तो बता दो, ये यहाँ से भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बन रहे हैं जिनको मैं कभी, ऐसा है नहीं कि मैं इग्नोर करने वाला हूँ, जब भी मुझे रास्ते पे मेरे फ्रेंड मिलेंगे हाथ रुकेंगे, फ़ोटो शूट कराएंगे। फिलहाल यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ढेलवाड़ी, ढेलवाड़ी से बाईपास करेंगे, बाईपास से भाई सीधे निकलेंगे आगे। गाइस जैसे कि आपने देखा, पुलिस वाले भी नोटिस करते हैं गाड़ी को। भाई बच चुका है बाकी यार, और मुझे ना यार ऐसे सकरे रोस्तों पे ना भाई गाड़ी खींचने में बहुत डर लगता है। चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्क बन जाती है क्योंकि फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो गाइस वहाँ पास के फिलअप के बाद यहाँ पास भाई सेकंड फिलअप करा रहा है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ का फिलअप मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे कराते हैं फिलअप, देन यहाँ से फिर सीधे निकलेंगे दोस्तों आगे, और आगे यहाँ से सीधे ढेलवाड़ी, ढेलवाड़ी से बाईपास निकलते हुए चलेंगे सीधे अंबिकापुर वाले रोड पर, जहाँ पास यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग को 50 किलोमीटर पड़ने वाला है हसदेव बांगो। गाइस यहाँ पास सेकेंड फिलअप होने के बाद निकलते हैं आगे। वाली रोड पे पहली बार जा रही हो कि कोई इनलाइन, और डेफिनेटली है कि आखिरी नहीं है, क्योंकि गाइस मैं यूट्यूब पे बना रहूँगा, आप लोगों को डिफरेंट टाइप की इनलाइन देखने मिलते रहेगी। अभी हमने स्टार्ट किया बेनेली से, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कटघोरा बिलासपुर पेंड्रा वाले रोड पे, यहाँ से हम लोग को लेना है राइट। पीछे बैठे 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 इरीटेट हो रहा है, क्योंकि जब आप एक या दो नंबर के गियर से जब गाड़ी इनिशियल लोगे ना दोस्तों, पीछे वाले को जो पीछे पुश होती है ना दोस्तों, वो आप लोग एक्सपीरियंस जब तक नहीं करोगे ना, आप लोग वो चीज़ें फील समझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पावर होती है दोस्तों इस पर। तो सोचो जब ये 600 cc है तो इस पर इस टाइप की पावर जनरेट होती है, अगर यही 1000 cc होगी तो सोचो दोस्तों। तो यार मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, इस रोज यहाँ से 1000 cc तक का सफ़र आप लोग ही कराने वाले हो। पहुँच चुके हैं कटघोरा वाले चौक पे, ये फेमस होटल है मुरली होटल, यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे आगे, अगर हो सके तो रिटर्न पर ये चीज़ें कवर करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं दोस्तों। वेलकम टू टोल रोड दोस्तों, पहुंच चुके हैं। आज का जो सफ़र था वो इतना प्यारा होने वाला था, क्योंकि वेदर बहुत खूबसूरत हो रखा है भाई। बीच बीच में मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई अपने साथ जा रहे हैं जिम बॉय। भाई काफ़ी लंबे टाइम पहले मैं भाई के साथ जिम करता था, बट सीन अभी ये है कि भाई अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को जिनको पता होगा मेरी सर्जरी हो रखी थी, अभी मैं हैवी वेट नहीं उठा सकता। बस यही रीज़न है कि भाई मैं काफ़ी लंबे टाइम से जिम नहीं जा पा रहा, जिसको मैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये CG29 कहाँ की है भाई कमेंट करके बता रहे हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है।
यहाँ से जब टोल रोड चालू होगी दोस्तों, टोल रोड से सीधा निकलेंगे गाड़ी खींचते हुए। आज का अपना लोकेशन था बांगो। ये देख रहे हो यार कितना सुनहरा मौसम हो रखा है अंबिकापुर वाराणसी। अपन हो सके तो यहाँ पास, अगर भाई मन तो ऐसा करता ना गाड़ी पे कोई फिलअप कराने वाला बंदा हो या बंदी हो, भाई मैं गाड़ी कभी ना रोकूं, बस मैं गाड़ी चलाता रहूं। बट गाड़ी देखो कितनी प्यारी हो रखी है, मैंने ये वाली एग्जिल लगाई है। मुझे रिस्पांस बताना है कि एग्जिल की रिस्पांस कैसे आ रही है। अगर कोई भी कटघोरा का बंदा अगर नोटिस किया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वो वाली वापस से वाली एग्जॉस्ट लगाएंगे, ये वाले सही है। ये रहे रवि भाई, ये रहा भाई। अभी हमने लिया था स्टॉपेज, फिर से निकल चले हैं आगे। यहाँ से सबसे पहले फोटोशूट के लिए एक बेस्ट लोकेशन देखेंगे जहाँ होल्ड करेंगे, फोटोशूट वगैरह कराएंगे। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं आगे। भाई हर बंदे का चेहरा घूम घूम कर मिलता है। जिस स्पीड पे चलते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, मुझसे गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन किसी और से गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। बस यार किसी और की गलती अपनी गलती बन जाती है। जैसे ये देखो कितनी गंदी एक्सीडेंट हो रखी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये सीधे डिवाइडर पर घुस रखी है, ये देख रहे हो। बाई गॉड कि बंदों को कुछ ना हुआ हो। आगे चलते हैं आगे। यार कितना प्यारा रोड हो रखा है। ये वाला पैच बने हुए 7 से 8 साल हो रहे होंगे, मैक्सिमम 7 साल हो रहे होंगे। जब ये पेज बन रहा था ना दोस्तों, हम लोग से पूछो हम लोग को कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इस रोड को पूरे पहाड़ से काट कर बनाया, नहीं तो फिर पहले ऊपर हुआ करता था। ऐसे हुए करते थे कि भाई ऐसा लगता था कि पूरे हिल पे रोड है या रोड पे हिल है, दोनों बहुत कन्फ्यूज़न होता था। बट अभी ऐसा है कि आप परफेक्टली रोड का देख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक पहाड़ को काट कर उस पर रोड बनाना। ये देख सकते हो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बांगो। और यार आजकल का जो व्लॉग ना भाई, जो इनलाइन के साथ मजे आ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ से बांगो मुश्किल से मुश्किल 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। 2.5 किलोमीटर के बाद आपको आज एकदम प्यारा सा ड्रोन शॉट दिखाने वाले हैं। भाई यहाँ अगर फर्स्ट टाइम इनलाइन आ रही होगी ना, तो यहाँ के लोग परेशान होंगे कि यार ये है क्या, ये चीज़ें हैं क्या जो दूर से इतनी आवाज़ें लाउडली कर रही है करके। बांगो परियोजना यार हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे कोरबा का सबसे सबसे, जहाँ से आप हर एक एक एरिया को जहाँ से पानी जाता है। भाई हम लोग ने ना जब तक बाइक पे राइड कर रहे थे तब तक भाई गर्मी का उतना खास पता नहीं चल रहा था। जैसे रुके भाई, ये देख रहे हो कहाँ पे रुके, बांगो गेट के जस्ट पीछे खड़े हुए भाई। इतना गर्मी की हम लोग भी, भाई ने भी, मैं तो जैकेट निकाल ही लिया, भाई ने तो पूरा शर्ट निकाल के रख लिया। भाई गर्मी इतनी हो रखी है सच में भाई, क्योंकि एक और एक बात बता रहा, बांगो में दोस्तों पानी नहीं है यार। मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ें नहीं है, काफ़ी सूखी पड़ी हुई है। मे भी अगर कल से मॉनसून चालू है, सॉरी कल से सावन चालू है, तो देखो बारिश होने लगी, तो भाई के साथ एक आध उनको वाटरफॉल भी कवर कराऊंगा। फिलहाल ड्रोन उड़ाते हैं यार। ये वाला शॉट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर राइड पे मैं आप लोगों को ड्रोन नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ का सीन नहीं दिखाया ड्रोन में तो फिर क्या दिखाया दोस्तों। यहाँ का भी दिखाते, फिर मेन गेट के पास का भी दिखाएंगे यार। बट ये देख रहे हो कितनी गर्मी हो रखी है। भाई ने तो अपनी जैकेट सीधा हेलमेट के अंदर डाल के शर्ट डाल ली भाई, बट मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि भाई ये मैं कहाँ रखूँगा। चलते हैं आगे, अब सीधे आपको दिखाते हैं डैम के पास हमारा ड्रोन शॉट। एक का यहाँ का हमने ले लिया, एक ड्रोन शॉट वहाँ पे लेंगे। चलते हैं, करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं यार बांगोड़े। गाइस कहीं जाओ और सीन क्रिएट ना हो ही नहीं सकता। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गाड़ी ऐसे रोडों पे भी जाने वाली है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता तो सही था फिर खोदा क्यों जा रहा है। यार कितना खूबसूरत वेदर हो रखा है यार, कितना प्यारा। बाकी ये दिखा रहा हूँ, ये रही मेरी हेलमेट, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। ये रही एक और हेलमेट, ये रही मेरी गाड़ी, ये रहे हम, और ये रहा भाई अपना बांगो। भाई इतना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो। एक ड्रोन शॉट तो बनता है, दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। ड्रोन शॉट चेक करो यार।
गाइस एक बात बता रहा है यार, बच्चों वाला फैन बेस मैंने जो बना रखा है ना दोस्तों, वो एकदम हाई लेवल पे है भाई। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को देखते हैं भाई, जिनको देखना पसंद है। सबका ड्रीम होता है, मुझे पता है यार, मेरा भी एक टाइम पे ड्रीम था, मैं भी उसी लाइन पे चल रहा हूँ। मैं भी आज छोटा ही हूँ, मैं भी कभी ऊपर जा सकूँ।